ओम साई राम। मैं साई पूजा इस साई की वाणी से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साई की वाणी से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये आज 15वां अध्याय 15वां संदेश जो आपके लिए था। अगले 15 दिन बाद ये सीरीज़ वापस शुरू होगी और अब आरंभ होने जा रहा है साई की चिट्ठी, जो आपको एक खूबसूरत संदेश देगी और आपके लिए प्रेरणा बनेगी। और ये प्रस्तुत कर रही हैं स्वेशी विनीत जी। तो चलते हैं, आरंभ करते हैं साई की वाणी से। चित्त की शुद्धि अति आवश्यक है, उसके अभाव में हमें आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, किसी से घृणा मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, अपनी वाणी से किसी को चोट मत पहुंचाओ। मुझे दुख होता है कि तुम मेरे बच्चे होकर किसी का दिल कैसे दुखा सकते हो, किसी की आंखों में आंसू कैसे ला सकते हो। मुझे ही अपनी दृष्टि और ध्यान और मनन में देखो। बाबा कहते हैं, जो मुझ में लीन रहता है, जो मुझे खिलाए बिन नहीं खाता, मैं उसका ऋण कभी चुका नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जड़ें गहरी और मजबूत होने पर मौसम के परिवर्तन से वृक्ष और मजबूत हो जाता है। बाबा कहते हैं, उपदेशों का पालन करने से मन शांत हो जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। श्री साईं बाबा कहते हैं, मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति करता हूँ। बाबा हमेशा हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। बाबा कहते हैं, जो साई सच्चरित का पारायण करता है और उसमें से जो सीखता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। मेरा खजाना पूर्ण है और प्रत्येक को इच्छा अनुसार की प्राप्ति होती है, जैसे कि मैंने अभी बोला, इसलिए मेरे वचन असत्य नहीं हैं। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। हाँ, देर होगी, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति भाव से मुझे देखो, सब्र रखो, मैं ज़रूर तुम्हारी हर प्रार्थना को मंजूरी दूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। तो कैसी लगी ये साई की वाणी, हमें ज़रूर बताएं। तो ये साई की वाणी इस सीज़न की आखिरी साई की वाणी थी और हमारा नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो रहा है साई की चिट्ठी। ज़रूर सुने सुबह 6 बजे सुयशी विनीत जी से। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। ओम साई राम, जय साई राम।